सभी को नमस्कार। मैं योगेश केशवानी मंगलम वास्तु हरिद्वार से आज आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम आपसे इस बारे में बात करेंगे कि आपके पास कोई मकान है और आपने उसके बगल वाला कोई छोटा टुकड़ा खरीद लिया, या आपका जो प्लॉट है वो इस तरीके से है कि उसका कोई एक्सटेंशन बाहर निकल रहा है, तो वो एक्सटेंशन जो है आपके लिए फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, इसका ज्ञान भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, इसमें हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाया है और SSW साउथ ऑफ ये WSW की तरफ हमारा जो एक्सटेंशन है वो बढ़ गया है। तो जो ये WSW या पश्चिम नृत्य की तरफ जो बढ़ जाएगा, तो उसको खरीदने से क्या होगा? उसको खरीदने से आपको समस्याएँ बढ़ जाएंगी, आपकी समस्याएं जो हमारी साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम है, जो हमारी प्रॉब्लम है वेस्ट साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की, वो बढ़ जाएंगी। और इसमें जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहले आएगा आपका पैरों का दर्द, आपकी हड्डियों में दर्द, आपका शुगर का ऊपर नीचे लेवल होना, आपको पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके गुर्दों में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब प्रॉब्लम आपको जो एक्सटेंशन है साउथ वेस्ट की तरफ उसके कारण आएगी। आपका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, आपने एक स्क्वायर प्लॉट ले रखा है, उसमें आप काम कर रहे हैं, आपका उसमें मकान बना हुआ है, लेकिन आपका पड़ोसी जो है उसने छोटा सा मकान अपना बेच दिया, उस मकान को आपने खरीद दिया और वो प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ गई। तब जो प्रॉपर्टी अब आपके पास है वो दोनों को मिला करके एक प्रॉपर्टी हो जाएगी और जो एक्सटेंशन है साउथ वेस्ट का वो आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। इन सब प्रॉब्लम को अगर आप उस प्रॉपर्टी को अलग करके कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आप हमारी जो ये 9 इंचेस की रॉड है, ये आप 3-4 रॉड को लगाएंगे, वो प्लॉट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी रॉड लगेंगी। आप अगर उस एनर्जी को, साउथ वेस्ट की जो एनर्जी है एक्सटेंशन वाली, उसको आप अलग करेंगे तो आपके जो दुष्प्रभाव हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी के बाद हम बात करते हैं जो हमारा साउथ वेस्ट है, वो अगर आपका वेस्ट की तरफ से लंबा हो जाए तो ये हमारा जो एक्सटेंशन है वो भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। इसमें भी आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आ सकती है, आपका जो वो कैश का फ्लो है वो ख़त्म हो सकता है, आपके खर्चे अधिक होंगे, आप अपनी जो रीपेमेंट है बैंकों की, या आपने किसी से अगर लोन ले रखा है, या आपने किसी को जुबान दे रखी है कि भाई मैं इस तारीख को पेमेंट कर दूंगा, वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे, वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसका कारण जो हमारा साउथ वेस्ट का एक्सटेंशन है वो है, और ये प्रॉब्लम भी आप हमारी मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी क्रम में हम बात करें आगे की, तो नॉर्थ वेस्ट का एक्सटेंशन, वो चाहे आपके पास पहले से है या आपने पड़ोसी का मकान खरीद लिया है और उसके दो पार्ट कर लिए हैं और एक आपका एक्सटेंशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला गया है, तो जो नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो गई, जो नॉर्थ वेस्ट के जो आपको फ़ायदे मिलने थे वो फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आपकी जो बड़ी कन्या है उसकी शादी में विघ्न आएगा बार बार, आपको सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, आपको फेफड़ों की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके जो कानूनी विवाद हैं वो लंबे खींचेंगे, आपको बार बार जो है कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपके पिताजी को तकलीफ हो सकती है और जो आपका आत्मविश्वास खुद का है वो भी डगमगा सकता है। इन सब की रेमेडी के लिए आप हमारी मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको इमेज दिखाई है वो उस तरीके से आप रॉड लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ की तरफ से, आपने नॉर्थ वेस्ट को बढ़ा दिया तो क्या होगा? तो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको अभी बताई थी, ये सारी प्रॉब्लम दोबारा से आपको इस लोकेशन पे भी मिलेंगी, क्योंकि जो एक्सटेंशन है नॉर्थ वेस्ट का वो आपने बढ़ा दिया और आपका नॉर्थ वेस्ट का जो एक्सटेंशन है वो आपको डिस्टरबेंस देगा ही देगा।
और उसके उपाय के लिए भी आप हमारी ये मल्टीपर्पज़ रॉड को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा साउथ ईस्ट है, इसको अगर आपने बढ़ा दिया, आपने साउथ ईस्ट की तरफ की एनर्जी को एनहांस कर दिया, तब क्या होगा? उस एनर्जी को आपने एनहांस करा तो आपको उसके दुष्परिणामों को झेलना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो दिक्कत आएगी वो आएगी आपके यहाँ पे जो फीमेल हैं उनको घुटनों में दर्द हो जाएगा, और जो मिसकैरेज की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। आपके यहाँ जो प्रॉब्लम है साउथ ईस्ट की कि जो आपका जीवन साथी है या आपके बच्चों का जो जीवन साथी है वो उपयुक्त नहीं मिल पाएगा आपको। क्रोध जो है, जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और विवाह से संबंधित जो मामले होंगे उनमें आपको विलंब देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों को बचने के लिए आप हमारी मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। जैसा कि आप नई इमेज में देख रहे हैं, इस इमेज के थ्रू आप हमारा जो रॉड्स हैं उनको यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। अब इस जो नई इमेज है इसमें आपने साउथ ईस्ट की जो एनर्जी है उसको बढ़ाया है, लेकिन वो ईस्ट की तरफ की एनर्जी को बढ़ा दिया, तो सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। जो प्रॉब्लम आपको बताई गई है वही साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देगा, और साउथ ईस्ट के एक्सटेंशन के लिए आप हमारे मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ करके इस लोकेशन की जो एनर्जी है उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये जो एनर्जी है नॉर्थ ईस्ट की, अगर आपने इसको बढ़ा दिया तो आपकी बल्ले बल्ले, आपके सारे काम बनेंगे ही बनेंगे, आपके यहाँ पर कैश फ्लो होगा ही होगा, आपके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा ही होगा, आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से दिक्कत नहीं आएगी, सब चीज़ों से आप धीरे 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 निकलते रहेंगे। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन है, अगर आप आठों दिशाओं के एक्सटेंशन की बात करें तो इस पे जो नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन है, चाहे वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का है चाहे वो NEE का है, अगर वो ईस्ट की तरफ से भी आपने बढ़ा दिया, अगर आपने नॉर्थ की तरफ से भी उसको बढ़ा दिया, तो वो आपकी एनर्जी को एनहांस करेगा ही करेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपका एक्सटेंशन है वो एक बॉक्स की तरह हो, आपका जो ये एक्सटेंशन है वो थोड़ा सा लाइट लाइन के हिसाब से भी हो सकता है, कट भी हो सकता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट से चलता हुआ वो ईस्ट की तरफ एक लाइन आ रही है, स्क्वायर ना होकर के सीधा एक लाइन आ गई, बट यहाँ पर हम जो एक्सटेंशन है उसको नॉर्थ ईस्ट का ही एक्सटेंशन मानेंगे, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अब ये नई इमेज भी आप देख रहे हैं, ये भी हमने जो ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमने एक ग्रीन कलर का टिक लगा करके आपको समझाने की कोशिश करी है, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये एक्सटेंशन, ये जो आपने प्लॉट खरीदा है या आपको मिला है वो आपके लिए भाग्यशाली है, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इस तरीके का प्लॉट मिला है। अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं, कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं, और अगर उसमें नॉर्थ ईस्ट आपको बढ़ावा मिल रहा है ऑलरेडी, तो आपको उस चीज़ को परचेज करना ही चाहिए, चाहे आपको 10% 20% एक्स्ट्रा भी देना पड़े। जैसे पार्क वगैरह हमारे घरों के आगे होते हैं तो हमारे को 10% एक्स्ट्रा देना होता है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन मिल रहा है तो आपको वो चीज़ ज़रूर खरीदनी चाहिए, उस घर पे आने के बाद आपको सुख समृद्धि वैभव जो भी चीज़ आप चाहेंगे वो सब आपको मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन जो है वो सबसे अच्छा है। इसके अलावा जितने भी एक्सटेंशन होते हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर नॉर्थ ईस्ट में कट आ गया आपका तो वो आपको नहीं लेना है। अगर नॉर्थ ईस्ट का कट है तो वो प्लॉट आपको परचेज नहीं करना है, वो फ्लैट आपको परचेज नहीं करना है। फिर भी अगर आपके पास आ गया है तो उसकी रेमेडी का भी हमारे पास आपकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन है, उसकी रेमेडी है हमारे पास, तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट करके नीचे लिखे हुए नंबरों पे आप कॉन्टेक्ट करके वो रेमेडी आप हमारे से ले सकते हैं। सभी का धन्यवाद।